अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं फैसलाबाद से बहुत बड़े ग्रुप से इस्लामान जेनुइन है इस तरह के जो और मुतीक शॉप है सारी जो जो क्लॉथ वगैरह के उनसे हम बात कर रहे हैं तो हम उनसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट रेंट वो ऑर्डर बना के दें वो सिर्फ बिजली का बिल और मेंटेनेंस पे करें मगर मार्केट से वो 10-20% लेस बेच दे दें यहाँ पे तो ये एरिया है हमारा जो फॉर हम करना चाहते हैं इसके अलावा जो बहुत से हमारे माल बनेंगे जिससे आप देख रहे हैं यहाँ एक माल हमारा बन रहा है इस वक्त और फीज वन के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा माल बन रहा है इसकी शॉप है उसमें कॉफी शॉप है ग्रॉसरी शॉप है वहाँ पी एफ सी भी आ सकता है और छोटे छोटे लेवल पे बाकी बड़े बड़े ये होंगे उसके देखिए हमारे पास इस वक्त दो तरह के हॉस्पिटल साइट पे हैं एक हॉस्पिटल हमारा अपना वहाँ मौजूद है वो अभी मेरा ख्याल है विद इन वन मंथ टाइम 10-15 बेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाएगा इमीडिएटली वो इस वक्त अवेलेबल है दो डॉक्टर फुल टाइम एमबीबीएस हमारे पास अवेलेबल है और बाकी जो नर्सिंग स्टाफ है वो 24/7 अवेलेबल है जो हमारा अपना स्टाफ है मोर देन 3000 प्लस उनके सारे को भी केयर कर रहे हैं जो मेंबर्स आते हैं अपना प्लॉट देखने खुदा खासा मसला हो जाए लोगों को उन्होंने वहाँ हेल्प की है और जो सराउंडिंग में विलेजेस हैं छोटे गांव हैं हमने वहाँ भी अनाउंस किया है कि जो भी वहाँ से लोग आना चाहें हम उनको फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस वक्त वो अवेलेबल है और फंक्शनल है अगर दूसरी तरफ हफ्ता बन रहा है परमानेंट जो कि मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा यहाँ पे बन रहा है ये वाला यहाँ बन रहा है 50 बेड हॉस्पिटल उसकी फुटिंग बन चुकी है और बेसमेंट के सारे कॉलम्स अभी स्टार्ट हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि सभी प्लानिंग बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम उसको मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह ताला हर सूरत में 50 बेड हॉस्पिटल सर लास्ट आपने कहा था कि जो आप फ्रेश जैसे मटन चिकन ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा हम स्टार्ट कर सकते हैं इसकी कैंपेन ऑर्गेनिक जोन कमिंग सून इन कैपिटल स्मार्ट सिटी थैंक यू सो मच आज तक देखिए आज तक जो 2018 में जब से हमने ये लॉन्च शुरू की हुई है मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूँ इस बार ये काफी हाई एंड जो है वो कमर्शियल है और ये 20 स्टोरी से कोई कम बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है और अगर आप अपना ऑफिस मेरा ख्याल है कि सब लोग बड़े बड़े सेलिंग पार्टनर हैं और आप सब लोग 20 स्टोरी बिल्डिंग को बना सकते हैं तो हम हाजिर हैं अभी यहाँ छोटे प्लॉट्स में भी सर 8 मरला में भी हमें ऑप्शन दें कि हम अपने ऑफिस बनाएं क्योंकि जब जैसे ही इधर से एक्सेस स्टार्ट होगी तो रियल एस्टेट मार्केट पहले से एस्टैब्लिश होनी चाहिए मुझे अगर आप कल कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ करते हो मैं ऐसा कहता हूं ना कि आपकी आपकी सब की जो जुबान है ना वो मजीब साहब है और आप और साहब बात करते रहते होंगे मगर मजीब साहब है शो शार्प ही इज सो शार्प एंड ही हैज अ लव एंड अफेक्शन विद यू पीपल ऑलरेडी इस बार इस पे बहुत सारी बात हो चुकी है और डॉक्टर इनक्लेव जो ओवरसीज सेंट्रल का हिस्सा है उसके फ्रंट पे 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट है दोनों तरफ आज मैं बता दूं फिर ये जो 8 मरला के प्लॉट है ना ये वाले जो नजर आते हैं क्लीन ये वाले दोनों तरफ ये 8 मरला के प्लॉट है डॉक्टर इनक्लेव में ये आप ले रखे हो सब और कुछ प्लॉट जो हैं वो 400 फुट रोड पे हैं 18 लेन रोड पे हैं कुछ प्लॉट जो है रिंग रोड पे हैं तो ये मुजीब साहब ने रिजर्व कराए हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पार्टनर्स को देने हैं और काफ़ी रायत देनी है शायद वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग फौरन तौर पर यहाँ करें तो कब से क्या तैयार है अभी 2-3 अगले साल मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल में हम आपको इसका कब्जा दे सकते हैं जी सर सर ये एक बड़ी प्रोजेक्ट है ना सर इसको जो रोड टच करी वो कौन सी है सर जी जो रोड टच करी चक्री रोड जो है सर वो मतलब बहुत ही रोड है मतलब वो कह रहे सिंगल रोड है उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं आपका सवाल ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक्सेस जो है चक्री रोड से है जी जी
देखिए जो तो चिकने रोड हमारी साइड इस वक्त हमारे पास 2.7 किलोमीटर फ्रंट अवेलेबल है चिकने रोड पे दोनों तरफ, उसको हम वहाँ डबल कर रहे हैं, थ्री लेन बना रहे हैं जो कि बाहर से छोटी आती है, हमारा उस पर तो कंट्रोल नहीं है, बाकी डबल रोड प्लान हो चुकी है, मगर हमारा जो है ना ट्रैफिक स्टडी का जो बेस है वो चक्री रोड नहीं है, वो मोटरवे है। 90% लोग मोटरवे से आएंगे, बहुत कम लोग जो हैं वो चक्री रोड से आएंगे, या जो बैकअप स्पोर्ट है सब ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, चिंचीज हैं, जो लोग इस तरह जो मोटर वे पे अलाउ नहीं है वही स्पोर्ट जो है मेनली चक्री रोड से आएगी। तो जिस तरह मैंने किया, बगीर साहब ने अर्ज किया कि हमने दो इंटरचेंज के लिए अप्लाई किया हुआ है, एक एनओसी हो चुका है, अब सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दूसरा इंटरचेंज भी इंशाल्लाह बन जाएगा। तो मेन ट्रैफिक हमारी मोटरवे से है और मोटरवे की भी चौक नहीं होगी, बहुत बड़ी रोड है और गवर्नमेंट अगर ये चौक होगी भी तो और बड़ी करेगी, तो चौक नहीं होगी अगले 100 साल के लिए इंशाल्लाह। जिस तरह बगीर साहब ने माना था कि हमारा जो चूज हमने जगह की थी, सिलेक्ट की थी, उसकी दो मेन रीजन थी, नंबर वन कनेक्टिविटी के रास्ते अच्छे हो, चौक ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो इर्द गिर्द, और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी। तो जो हमारा जो प्रेशर है ट्रैफिक का वो मोटरवे से आएगा, इंशाल्लाह वो चौक नहीं होगी कभी। तो जो हमारी टीम है वो बहुत स्ट्रांग माशाल्लाह हो चुकी है, मेरे जनरल डायरेक्टर खातर एजुकेशन जिनका आपने सुना होगा, सेक्शन अक्टूबर को बड़ा स्ट्रांग बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, हेल्थ में हमारे साथ हैं, बगैर क्यानी जो है वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर से लेके ग्वादर तक जो खबर आपने बिछाई है, जो उन्होंने डिजाइन करके बिछवा के ऑपरेशन करवाई है, वो हमारे साथ है। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सब जो है हम सब एक जिस्म की तरह हैं, और बगैर क्यानी की जो टीम है सब टीम की, वो जो चीज़ें हमें दे रही है ला के वो रूह है, और रूह के बगैर चीज़ें जिसम बेकार हो जाता है। तो बगैर क्यानी जैसे लोग, स्ट्रॉन्ग लोग, शहजाद खलील उनके साथ काम कर रहे हैं, अमेरिकन क्वालिफाइड जो टेक्नोलॉजी को डिजाइन सॉफ्टवेयर IoT जीपॉन सारी चीजें ला के एक जगह इकट्ठी करके वो हमें दे रहे हैं, और ये सारी चीजें इस वक्त मुल्तान में हम लगा के टेस्ट कर रहे हैं। जनाब राणा साहब बैठे हुए, राणा उस्मान साहब ये आप बता सकते हैं वहाँ, ये हमारे रेजिडेंट भी है रॉयल आर्चर मुल्तान के, और इस तरह ब्रिगेडियर अबू चीमा उन सुना आपने, जिनकी कमांड इतनी ज्यादा है माशाल्लाह कि मुझसे ज्यादा बेहतर और मुझसे ज्यादा बातें आप जानते हैं स्मार्ट सिटी के बारे में, वो हमारे साथ हैं, जो डेवलपमेंट चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, और इसके अलावा जो बातें हमने की हैं आपसे 2017 से लेके अब तक, कोई एक बात आप मुझे बता दें जो हमने कभी ना की। मैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग फुटिंग में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारा जो ग्रुप है हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी मदर कंपनी है और जो चेयरमैन है हमारे, वो उनकी तरफ से इतना सख्त मॉनिटरिंग हो रही है हमारी, और वो हमें मना करते हैं कि जो काम नहीं करना कभी कमिट ना करें। आप बिजनेस मजीद साहब से वो अक्सर हर मीटिंग में ये कहते हैं कि जो काम नहीं हो सकता नेवर कमिट कर योर क्लाइंट एंड योर सेलिंग पार्टनर। तो इंशाल्लाह ताला जो भी हमने बातें आपसे की हैं हमने वादे पूरे की हैं, और इंशाल्लाह ताला जो आज मैं आपसे प्रॉमिसेस कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह की मदद से, और ये टीम जो स्ट्रॉन्ग मेरे साथ हमारे साथ काम कर रही है उनकी मदद से हम पूरे करेंगे, और वक्त से पहले पूरे करेंगे इंशाल्लाह।